This video is brought to you by Alpine Academy, subject chemistry class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, chapter number 3, atomic structure, lecture number 2. Today's topic lecture, number 1, radioactivity, properties of radioactive rays, artificial radioactivity, Planck's quantum theory, spectrum, the four atomic model, X-ray and atomic number. In this video, we will discuss all these lectures in detail. What is radioactivity? The phenomena in which certain elements emit invisible radiation is called radioactivity. Ek aisa process jisme kuch elements apne andar se invisible radiations ko emit kare. Theek hai, apne andar se nikale. Usko phenomena ko, aise process ko aap radioactivity bolte hai. And the elements which give out these radiations are called radioactive elements. और वो elements जो ये radiations emit कर रहे हैं उनको आप radioactive elements कहते हैं. Most of the elements after lead in periodic table are naturally radioactive. अगर हम periodic table की बात करें तो हमारे पास periodic table में lead एक ऐसा element है जिसके बाद जितने भी elements आते हैं वो सारे radioactive हैं. ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, यानी जिनके आखिरी शैल मतलब जिनके पास 82 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है. रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रेडियोएक्टिव, इट्स इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर एंड द सोर्स ऑफ मिनरल. जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, बेसिकली जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हैं वो इंडिपेंडेंट है किसके, टेम्परेचर और सोर्स ऑफ मिनरल. यानी जो आपका टेम्परेचर है उसके इंडिपेंडेंट है, आप उसका टेम्परेचर जितना भी बढ़ा लें जितना भी कम कर लें रेडिएशंस फिर भी एमिट हो रही होंगी. ठीक है, उसके अलावा सोर्स ऑफ मिनरल जहाँ से वो एलिमेंट मिल रहा है हमें. ठीक है, लेट सपोज अगर आप यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम किसी और सब्सटेंसेस के साथ मिला हुआ होता है, यानी उसका मिनरल में से आपको यूरेनियम मिलेगा तो उसके मिनरल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती रेडिएशंस. भले कोई से भी उसकी इम्प्योरिटी आ जाए लेकिन वो अपने अंदर से रेडिएशंस उतनी ही एमिट कर रहा होगा, बट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. फ़र्क क्या आ जाता है उसकी क्वांटिटी के ऊपर. अगर उसकी क्वांटिटी डबल है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन भी डबल करेगा. लेट सपोज 2 ग्राम यूरेनियम है आपके पास और एक में है 4 ग्राम यूरेनियम, तो ज़्यादा रेडिएशंस कौन एमिट करेगा, 4 ग्राम वाला. ठीक है, अगर वो 10 सेकंड में मतलब लेट सपोज 100 रेडिएशंस एमिट कर रहा है 10 सेकंड में, तो आपके पास 2 ग्राम वाला 50 रेडिएशंस एमिट करेगा 10 सेकंड में. ठीक है, तो ये फ़र्क आ जाता है कि उसका साइज वेरी करता है उसकी रेडिएशंस के साथ साथ. अब ये सब हमें पता कैसे चला था, बेसिकली 1895 में हेनरी बैक्यूरल है उसने ऑब्जर्व किया था कि जो यूरेनियम और दूसरे कंपाउंड जो कहते हैं एक रेडिएशंस एमिट करते हैं. ठीक है, और जब उनको फोटोग्राफिक प्लेट्स पे इंसिडेंट कराया गया, ठीक है, तो वो पेनिट्रेट कर गई सॉलिड मैटर में से, इस वजह से उन रेस को रेडिएशंस या उनको रेडियोएक्टिव रेस कहा गया था. और बाकी जो अभी मिनरल की बात कही थी तो इसी तरह जैसे यूरेनियम होता है इसके एक मिनरल है जैसे पिच प्लान, तो वो मिनरल आपके पास यूरेनियम का मतलब बहुत ज़्यादा रेडियोएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल यूरेनियम. ठीक है, और अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो आपके पास रेडियो एक्टिविटी का एक सिंपल सा फेनोमेना आपको समझ आ जाएगा कि जब भी यूरेनियम अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है तो वो स्टेबल होगा एक वक्त में आके और वो एक दूसरा कंपाउंड बना देगा जिसका एटॉमिक मास 34 होगा और 90 होगा. उसके अलावा वो एमिट कर रहा होगा कौन सी रेडिएशन, एल्फ़ा पार्टिकल्स. ठीक है, जो आपके पास लिखा है हीलियम इसको हम एल्फ़ा पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं. क्यों, क्योंकि एल्फ़ा पार्टिकल्स का जो न्यूक्लाय है वो हीलियम के न्यूक्लाय तक सेम रहता है, मतलब उन दोनों का न्यूक्लियस सेम है, इस वजह से हम अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो रेडियोएक्टिव रेस पेनिट्रेशन पावर, व्हाट इज पेनिट्रेशन पावर, के ऐसी रे कितना पेनिट्रेट कर सकती है किसी भी चीज़ में से, मतलब उसमें उसको क्रॉस कर सकती है, उसको पेनिट्रेशन पावर कहते हैं. ठीक है, अगर हम देखें तो अल्फा रेज और बीटा पार्टिकल्स जो हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सबसे ज़्यादा एलुमिनियम उसकी है, गैमा रेज की है. ठीक है, पेपर फॉइल पेपर ले लेते हैं, उसके अलावा एलुमिनियम फॉइल ले लिया गया है और एक लेड का पीस रख दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैमा रेज इजीली ट्रैवल कर जाती हैं एलुमिनियम और पेपर से, जबकि अल्फा रेज सिर्फ पेपर क्रॉस कर सकती हैं, उसके बाद एमिट नहीं हो सकती वहाँ से, यानी उसमें से पेनिट्रेट नहीं हो सकती.
जबकि बीटा रेस की पेनिट्रेशन पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो पेपर को क्रॉस कर जाती हैं, बट एल्यूमिनियम फॉयल को या एल्यूमिनियम प्लेट को वो क्रॉस नहीं कर पाती। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेस? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गैमा रेस। एंड इफ यू कंसिडर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फैक्टर्स लाइक नेचर, वेलोसिटी, फास्ट मूविंग एंड पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजेशन पावर, देयर आर डिफरेंट इन देयर एस्पेक्ट्स। सो अल्फा रेज आर नेचर वाइज पॉजिटिव एंड द वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज इज 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी 3 × 10 को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज पता चल जाएगी, ठीक है। और फास्ट मूविंग हेलियम न्यूक्लियाई है, यानी ये आपके पास हेलियम की न्यूक्लियाई तक मिलते जुलते हैं। अल्फा रेज आपके पास हेलियम न्यूक्लियाई से मिलता जुलता है, इस वजह से इसको हीलियम से हम कंपेयर करके इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस रिएक्शन में भी मैंने हीलियम रखा हुआ था, ये आपकी बुक का ही रिएक्शन है, ठीक है। उसमें हीलियम क्यों रखा था? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हीलियम से मैच करती हैं, यानी उसका जो न्यूक्लियस है वो हीलियम के न्यूक्लियस से प्रॉपर मैच करता है, जिसकी वजह से हम उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर वो पावर होती है जो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्स्टेकल में से घुस सके, ठीक है, घुस के बाहर निकल सके, उसको पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। इसी तरह जो अल्फा रेज हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। प्रीवियस एनिमेशन में हमने देखा था कि उसकी पावर बहुत ही कम थी, कि वो पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है अल्फा रेज की, क्योंकि वो किसी भी गैस में जब अल्फा रेज पास कर दी जाती हैं तो उस गैस को ईजीली आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है। और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ऑन जिंक सल्फाइड, जब हम जिंक सल्फाइड पे इसको इंसिडेंट कराते हैं तो उस पर हमें चमक सी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इनका मास कितना है, 6.64 × −27 kg, ये बहुत स्मॉल मास है, ठीक है। नॉर्मली सब एटॉमिक पार्टिकल्स या जितने भी छोटे एटम्स होते हैं उनका भी साइज़ ऐसे ही होता है, तो अल्फा रेज का भी साइज़ बहुत छोटा ही है। और अब बीटा रेज की बात करें, उनकी नेचर क्या है, नेगेटिव होती हैं, ठीक है, यानी अपने पास ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, उससे थोड़ी सी कम होती है, प्रॉपर इक्वल नहीं होती लेकिन थोड़ी वेरी करती है नीचे। उसके अलावा पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई होती है एज कम्पेयर टू अल्फा रेज, ठीक है, प्रीवियस एनिमेशन से आपको क्लियर हो गया था। आयनाइजेशन पावर भी बहुत कम होती है इनकी एज कम्पेयर टू अल्फा रेज, क्योंकि ये इजिली आयनाइज नहीं करती हैं किसी भी गैसेस या फ्लूड को। फ्लोरोसेंस क्या है, वही बेसिकली प्रोड्यूस ऑन जिंक सल्फाइड, जब हम इसको इंसिडेंट कराते हैं जिंक सल्फाइड पर, तो ये चमक प्रोड्यूस कर देती हैं। उसके अलावा इनका मास कितना होता है, 9.0106 × −31 kg, बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसी के बराबर इनका मास होता है। गैमा रेज आपके पास न्यूट्रल रेज कहलाती हैं, क्योंकि ये किसी भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने, ठीक है, एक लेड का बॉक्स है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेड का बॉक्स क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि लेड बॉक्स में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो सॉरी रेडियो एक्टिव रेज ईजिली ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है, वो वहीं रुक जाती है। अगर हम प्रीवियस एनिमेशन को देखें तो उसमें लेड पीस आखिरी पीस था जिसमें गैमा रेज भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से हम रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के लिए लाइट बॉक्स यूज़ रखते हैं, जिसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं जिससे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिव रेस एमिट हो रही होती हैं। अब उसके आगे अगर हम मैग्नेट रख देते हैं तो जितनी भी रेडियो एक्टिव रेज हुए हैं जितनी भी रेडियो एक्टिव रेज हैं आपकी, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज, वो तीनों की तीनों जो है डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, सिर्फ दो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और एक अनडिफ्लेक्टेड रहेगी। तो गैमा रेज ईजिली मतलब न्यूट्रल ही रहती है, वो किसी तरह भी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, जबकि अल्फा रेज और बीटा रेज होती हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा गैमा रेज क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट के इंपैक्ट से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उसको गैमा रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हायर देन बोथ, इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह इनकी स्पीड होती है बेसिकली, ठीक है। और अच्छा, मैं स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट और गैमा रेज की जो स्पीड है वो इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, यानी गैमा रेज भी 3 × 8 की पावर से मूव करती हैं मीटर पर सेकंड से। उसके अलावा आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेटिंग पावर दोनों से एक दूसरे की अपोजिट रिलेशन है, हायर होती हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अगर हम इसकी एनिमेशन प्रीवियस वाली देखें तो उसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा थी
और अगर आयनाइजेशन पावर करें तो कंपेयर करें तो वो बहुत कम होती है, आयनाइज नहीं कर पाती गैसेस को। उसके अलावा दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑन जिंक सल्फाइड, फ्लोरोसेंस कोई प्रोड्यूस नहीं होता और इनका कोई मास भी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक ऐसी रेज हैं जिनका कोई मास कंसिडर नहीं किया जाता, ये दीज रेज आर न्यूट्रल रेज। फॉर मोर डिटेल्स ऑन रिमेनिंग लेक्चर्स एंड चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस बुक प्लीज सेंड अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर 9231831866660 और यू कैन ईमेल अस ऑन alpineacademy@gmail.com। सो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना से हमें पता चला था कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है जिसका कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास होता है, और उसको उनका हमने नाम दिया था न्यूट्रॉन। इसका नाम हमने न्यूट्रॉन क्यों दिया था, बेसिकली ये न्यूट्रल था, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी ना तो ये नेगेटिव था ना ही ये पॉजिटिव था, इस वजह से इसको न्यूट्रल कंसिडर किया गया था और इसका नाम न्यूट्रॉन कंसिडर किया गया था। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी था, वो सिंपल है कि व्हेन द लाइट एलिमेंट इज बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल्स, दीज अल्फा पार्टिकल्स लीव द न्यूक्लियस इन एन अनस्टेबल डिस्टर्ब्ड स्टेट। जब हम लाइट एलिमेंट को, कोई से भी एक लाइट एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम कंसिडर करते हैं, उस बेरिलियम को हम बम्बार्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल्स से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं आपके पास, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली आपके पास हीलियम न्यूक्लिया है, ठीक है। अगर आप बुक की एग्जांपल देखें तो उसमें बेरिलियम जब हीलियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास कार्बन बन रहा है, ठीक है, कार्बन तो बन रहा है लेकिन कुछ रेडिएशंस भी इमिट हो रही हैं। अब वो रेडिएशंस क्या हैं, वो रेडिएशन आपके पास वन न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो मास उसका यूनिट मास है, यानी उसके पास एक यूनिट मास है उसका, यानी जो न्यूट्रॉन है वो आपके पास न्यूट्रल होता है। अच्छा, इसमें फर्दर क्या लिखा है, डिस्टर्ब्ड स्टेट विच ऑन सेटलिंग डाउन टू स्टेबल कंडीशन सेंड आउट रेडियो एक्टिव रेज। अब जब बेरिलियम बम्बार्ड होता है अल्फा पार्टिकल्स के साथ तो वो अनस्टेबल स्टेट क्रिएट करता है, ठीक है। अनस्टेबल स्टेट कैसे होती, जैसे अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पे तो 0N1 लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, तो अनस्टेबल स्टेट होती C6C13, ठीक है। अभी क्या लिखा है, 6C12 लिखा हुआ है ना, तो आपकी इक्वेशन में होता 6C13, तो वो स्टेट उसकी अनस्टेबल स्टेट होती है। वहाँ से स्टेबिलिटी आने के लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करेगा और रेडिएशन में आपके पास एक न्यूट्रॉन इमिट हो रहा होगा जिसकी वजह से वो स्टेबल पोजिशन में आ जाएगा और आपके पास सिंपल कार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो इस फिनोमेना को आप रेडियो एक्टिविटी बोलते हो। तो 1933 में चैडविक ने एक न्यू पार्टिकल आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उसने यही चीज़ करी थी बेरिलियम के साथ, ठीक है, बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स को, तो आपके पास एक ऐसा पार्टिकल आया जिसका यूनिट मास था बट चार्ज कोई नहीं था, ठीक है, इट वॉज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपके पास न्यूट्रॉन की इन्वेंशन हुई थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी बेसिकली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडी और एब्जॉर्ब बाय अ कोल्ड बॉडी। तो उन्होंने ये थ्योरी इसलिए भेजी थी, मतलब इतनी उन्होंने रिसर्च करी थी इसके ऊपर, क्योंकि जो हॉट बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करती है तो कोल्ड बॉडी ही एब्जॉर्ब करती है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करती है और कोई भी हॉट बॉडी कैसे अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करती है, तो उसके ऊपर एक बेसिकली उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स थ्योरी का ये था कि एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में से एनर्जी जो रिलीज होती है वो वाइब्रेशन की वजह से होती है एटम्स की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो कि एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। जितनी वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इमिट हो रही होगी, रेडिएट हो रही होगी। नो बॉडी कैन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, दे एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही हो या कंटिन्यूसली रेडिएट कर रही हो, ठीक है। अगर वो रेडिएट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफाइड अमाउंट में एब्जॉर्ब करती है। अब उस स्पेसिफाइड अमाउंट को क्वांटा बोलते हैं और या फिर फोटॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेज ऑफ एनर्जी को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जो ये कहते हैं एक छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसमें एनर्जी गेन की जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है या फिर रेडिएट की जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं। एनर्जी लॉस और गेन इज क्वांटाइज, सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। तो एनर्जी जो गेन हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन एक पैटर्न के ऊपर है कि टू, लेट सपोज सिंपल सी एग्जाम्पल में यह है कि 2 कैलोरीज एनर्जी गेन हो रही है, 2 कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है।
ये क्वांटा की एक अमाउंट है टोटल, एक क्वांटा बराबर है 2 कैलोरीज की। ये मैं अपनी तरफ से आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि एक क्वांटा बराबर है 2 कैलोरीज के, ठीक है। अब कोई भी एटम जो है कहते हैं अपने अंदर से 10 क्वांटा ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा, तो इसका मतलब वो 20 कैलोरीज एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कंटिन्यूसली नहीं होती, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा और फोटॉन्स में होती है, और हर क्वांटा उसकी एक एमेट मतलब एक अमाउंट है कि एनर्जी की अमाउंट है उसमें, ठीक है। एक बेसिकली एक क्वांटा बराबर होता है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी के, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल में 2 कैलोरीज का बताया था। तो एनर्जी लॉस और गेन इज क्वांटाइज, तो बेसिकली आपके पास जो एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है वो क्वांटा फॉर्म में होती है, ठीक है। इस वजह से उसको क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया था। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। अब इसमें जो ई इज इक्वल्स टू एच म्यू है वो आपके पास बेसिकली म्यू फ्रिक्वेंसी है, और एच आपके पास जो है कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास 6.607 एक्सपोनेंट -31 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में गिवन होगी, और ये आपके पास ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी 1 क्वांटा और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, सॉरी यहाँ पे काउंटर टाइपिंग मिस्टेक है, काउंटर नहीं है, क्वांटा है, ठीक है। तो ये क्वांटा है, ठीक है, काउंटर नहीं है, ये क्वांटा है, ठीक है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी 1 क्वांटा और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि 1 क्वांटा एनर्जी रिलीज हुई है या 10 क्वांटा रिलीज हुई है, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल पे चलते जाते हैं कि 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, तो ऐसे आपकी एनर्जी इमिट होती है। लीस्ट अमाउंट आपके पास 1 होती है बेसिकली। एनर्जी चेंज अकर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ पैकेट्स और इट्स मल्टीपल, जो भी एनर्जी चेंज आता है कि एनर्जी इमिट कितनी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास पैकेट्स में होती है, क्वांटा ऑफ पैकेट्स या और इट्स मल्टीपल में। वही बात आ जाती है कि हर पैकेट की अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और हर क्वांटा में उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न विद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो इन सब की डिस्कवरी हो चुकी है। अब हमें स्ट्रक्चर पता करना है कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, कोई भी एटम कैसे एनर्जी रिलीज कर रहा है, कोई भी एटम कैसे अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। उसके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बहुत यूज़फुल थी, जिसने हमें बताया था कि एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड फॉर्म में रिलीज और एब्जॉर्ब की जाती है। तो अब स्पेक्ट्रा में क्या पढ़ते हैं, बेसिकली व्हेन एन एलिमेंट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इमिट्स रेडिएंट एनर्जी, कोई भी एक एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करता है कुछ एनर्जी तो अपने अंदर से वही एनर्जी रेडिएट भी करेगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। व्हेन दिस रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म इन अ स्पेक्ट्रोस्कोप, और जब ये रेडिएशन एक स्पेक्ट्रोस्कोप एपरेटस में से पास की जाती है, बेसिकली वो प्रिज्म के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, जब भी हम रेडिएशन को प्रिज्म में से पास कराते हैं, इट इज सेपरेटेड इनटू अ कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ टू फॉर्म एन इमेज। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, उस रेडिएशन को स्प्रेड कर देता है या सेपरेट कर देता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स में वो सेपरेट कर देता है ताकि एक इमेज बन जाए, और उसको बोलते हैं इमिजन ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी आपके पास स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, एक लाइट टूट रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट कलर्स में, तो वो स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है, और ये इमिजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब इमिजन स्पेक्ट्रा दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये अपनी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बेसिकली आपके पास वो स्पेक्ट्रम होता है, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें रियल लाइफ, तो जो रेनबो होता है वो आपके पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास सिंपल है कि एक डार्क जगह पे कुछ मल्टीपल ऑफ लाइन्स या कलरफुल लाइन्स जनरेट हो रही हों, उसको आप लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हाट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो देखने यहाँ पे हीट सोर्स है इमिटिंग कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कोई भी एक सनलाइट ले रहा है, सनलाइट की रेज है, ठीक है। अब सनलाइट की रेज को वो क्या कर रही है, वो रेज सारी उस पर इमिट हो रही है स्लिट के ऊपर, स्लिट उसको कन्वर्ज कर रही है एक रे में, और प्रिज्म क्या कर रहा है, उस रे को स्प्रेड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, यानी इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई जा रही है, तो वो एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसका मतलब ये होता है कि इस कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में
आपके पास कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन मीन्स कि अगर हम इसको अगर अलग करना चाहें तो मैं ब्लैक पॉइंट से करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ठीक है, लेट सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी नज़र में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ पे हुआ कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का हल्का ग्रीनिश शेड आ रहा है, इस जगह पे भी ग्रीनिश शेड आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ब्लू भी शेड आ रहा है। तो ऐसे बैंड्स ऑफ कलर जिसमें आप दो कलर्स को मतलब जो ये कहते हैं डिफरेंट नहीं कर सकते एक दूसरे से, यानी सेपरेट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सिंपल है। द बैंड ऑफ कलर इन टू विच द इंसिडेंट लाइट ब्रेक अप इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। अब कोई भी लाइट जब भी टूटती है डिफरेंट कलर्स में, उसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर सो मिक्सड अप डेट देर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन डिफरेंट कलर। तो इसका मतलब क्या है, इस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत मिक्सड हैं, जिसकी वजह से इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। द कलर ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन इट्स वेव लेंथ। तो जो भी कलर की लाइट इसके ऊपर इमिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म के ऊपर, और वो डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हर वो एक लाइट डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट में टूट रही है। वायलेट हैज द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ एंड रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। तो जो वायलेट कलर की लाइट है, जो भी आपको वायलेट कलर इसमें विजिबल हो रहा होगा, वो वायलेट कलर आपके पास उसकी वेव लेंथ सबसे कम है, ठीक है, और जो रेड कलर है उसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। अगर कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ सिंगल है, ठीक है, एक ही वेवलेंथ है, तो उसको आप उस लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम आ जाता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, तो अगर हम इस पिक्चर्स को देखें तो ये आपके पास इजीली डिफाइन कर रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम होता कैसे, ठीक है, कैसा होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में ये होता है कि डार्क इमेज होती है, पीछे बैकग्राउंड डार्क होता है, उसके ऊपर एक मतलब एक लाइन्स की लाइट नजर आ रही होती है, ठीक है, उसको आप लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम अ गैस सोर्स थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, बहुत तरह की जो है लाइट इमिट होती हैं, ठीक है, जब भी हम प्रिज्म में से एक गैस सोर्स को पास करवाते हैं। इफ द लाइट फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, अभी जो स्पेक्ट्रम बना है, अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में जो लाइट ग्लो कर रही होती है, हमने क्रूज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, कि जब भी हम प्रेशर कम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हाई कर देते हैं, उसकी गैस या उसकी जो सिलेंडर है, जो भी ट्यूब है, वो ग्लो करना शुरू कर देती है। अब उसकी जो लाइट होती है, अगर हम उसको प्रिज्म के सामने से क्रॉस करवाएं, उस लाइट को इंसिडेंट करवाएं प्रिज्म के ऊपर, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ में टूटेगी, ठीक है। अब उस प्रिज्म पे जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उस लाइट का जो इमेजन है स्पेक्ट्रम, वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, यानी सम डिस्क्रीट शार्प लाइंस अपीयर विद डार्क बैकग्राउंड। तो कुछ डिस्क्रीट और शार्प लाइंस बनती हैं विद डार्क बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उनका बिल्कुल ब्लैक होता है, बहुत डार्क होता है, और उसके ऊपर आपके पास लाइंस जनरेट हो रही होती है, इस स्पेक्ट्रम को आप लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हो। सच स्पेक्ट्रम इज नॉन एज लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसलिए यूज किया गया था क्योंकि जो सर जे जे थॉम्सन थे, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जो एटम है वो पूरा जो ये कहते हैं यूनिफॉर्मली, जिसमें जो उस एटम में जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं जगह जगह, ठीक है। उसके अलावा जो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, और ये भी उन्होंने कहा था। दूसरी बात ये थी कि उनके बीच में जो एटम है उसके बीच में कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, ठीक है। तो इस थ्योरी को देखते हुए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि जिसमें रदरफोर्ड ने बेसिकली ये उसका एक्सपेरिमेंट था कि आपके पास यहाँ अगर इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, यानी अंदर क्या है लेड ब्लॉक कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल इमिटिंग सोर्स, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, ठीक है। अब उस वो इमिट तो कर रहा है, ठीक है, अब वो इमिट करते हुए एक गोल्ड फॉयल है, ठीक है। अब उस गोल्ड फॉयल का अपना एक न्यूक्लियस होगा, यानी गोल्ड है तो जाहिर है गोल्ड का एक अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक एटम है गोल्ड भी, ठीक है, एलिमेंट है तो उसका अपना न्यूक्लियस होगा। अब जब वो अल्फा पार्टिकल्स पे हिट करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, ये सब रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि एक सर्कुलर आपने एक स्क्रीन ले ली, ठीक है, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है ये आपके पास, ठीक है। इस जिंक सल्फाइड पे बेसिकली आपको
ग्लो पता चलेगा जब इस पे अल्फा पार्टिकल्स हिट करेंगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड की स्क्रीन या प्लेट पे हिट करते हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, यानी एक लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि थिन गोल्ड फॉयल है जिसकी लेंथ कितनी है, विथ कितनी है 0.004 सेंटीमीटर। अब इतनी विथ क्यों रखी है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, तो इसलिए इसकी फॉयल की विथ बहुत कम रखी है ताकि वो इसमें से पेनिट्रेट इजीली कर सके। अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन सा यूज़ किया है जो अल्फा रेज प्रोड्यूस कर रहा है? पोलोनियम यूज़ किया है जो अपने अंदर से अल्फा रेज प्रोड्यूस कर रहा है, और आपके पास ये सर्कुलर जिंक स्क्रीन यूज़ की गई है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर हम प्रीवियस वाली डायग्राम को देखें तो उसमें क्या था कि कुछ रेज जो है इजीली ऐसी डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल में से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो ईजिली पास कर गई थी। ये एक ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन, सम पार्टिकल्स कम आउट आफ्टर सफरिंग स्लाइट डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर लाइन। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्लाइडली डिफ्लेक्ट कर गए थे और जिंक पे जाके हिट कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया, यानी न्यूक्लियस से गोल्ड फॉयल से स्लाइडली डिफ्लेक्ट कर गए थे। बट वन पार्टिकल इन 8,000 पार्टिकल सफर्ड अ डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 8,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था रे का, जब उसने न्यूक्लियस के करीब गया तो वो वापस से बाउंस बैक होके पीछे की तरफ उसने ग्लो करना शुरू कर दिया, यानी वो बेसिकली 90 डिग्री से ज़्यादा पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। तो अगर हम पीछे वाली डायग्राम में देखें तो एक ऐसा पार्टिकल्स था जो बिल्कुल पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया था जहाँ से अल्फा रेज ही आ रही थी। तो कंक्लूजन क्या बनता है कि उसने इस थ्योरी के कुछ कंक्लूजन्स प्रोड्यूस किए। उसमें सबसे पहला क्या था, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल पास विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन विच शोज मेजर ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम इज एम्प्टी। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ईजिली डिफ्लेक्ट कर गए थे, वो सॉरी ईजिली पास कर गए थे, पेनिट्रेट कर गए थे, उसके न्यूक्लियस को भी इन्होंने ईजिली क्रॉस कर दिया था और विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत खाली है, यानी सिंपल अल्फा रेज को कोई भी ऑब्जेक्ट सामने नहीं मिला तो वो स्ट्रेट ट्रेवल कर गई। ठीक है, तो यानी बीच में एटम के स्ट्रक्चर में बहुत एम्प्टी वॉल्यूम है। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी, वेरी स्मॉल नंबर अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब साइज जो है एटम का, उसमें जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत छोटा है, तो वो बीच में है और बाकी जो एरिया है वो पूरा एटॉमिक वॉल्यूम पूरा एम्प्टी है। सॉरी, मोस्ट ऑफ द मास इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। उसके अलावा हमें ये कैसे पता चला कि सारा का सारा मास सेंट्रल एटम पे लाई कर रहा है? इस वजह से पता चला, एक तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम पूरा एम्प्टी है, ठीक है, बाकी जो जितने भी प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन होंगे वो सारे कहाँ पाए जाएंगे? फिर न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते, ये ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं कंटिन्यूसली। अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिक्वायर्ड बैक एट 180 डिग्री, इट सजेस्टेड पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड बट इट इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। इसका मतलब ये था कि कुछ पार्टिकल, हजारों में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो 180 डिग्री वापस बाउंस बैक किया था जब उसने न्यूक्लियस को हिट किया था। तो इसका मतलब यह था न्यूक्लियस के पास कुछ ज़्यादा पावर वाली पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से एक कम पावर वाला पॉजिटिव पार्टिकल उसे जब हिट करा तो उसने फौरन से उसको रिपेल करके पीछे के वापस फेंक दिया। ठीक है, यानी जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे हिट करा था वो वापस से बाउंस बैक होके पीछे चला गया। तो इसका मतलब ये था कि सारा का सारा पॉजिटिव मास कहाँ है? उस एक न्यूक्लियस के अंदर है, और बाकी जितने भी नेगेटिव हैं इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स पे घूम रहे हैं, यानी आपकी न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जैसा कि सर जे जे थॉम्सन ने कहा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एटॉमिक वॉल्यूम में किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे, बट ऐसा नहीं था। जितने भी पॉजिटिव आपके पास पार्टिकल्स थे वो सारे न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहे थे। There will be continuously energy loss when electron moving around the nucleus. इन्होंने कहा था कि electron stationary नहीं है और they are orbiting around the nucleus. इसका मतलब जो है, अगर electron continuously orbit में move कर रहे होते हैं तो वो अपने पास से continuously energy emit करते हैं। ठीक है, ये इनके conclusions थे और ये इनकी observations थी। Now defects and weaknesses of Rutherford Hoffman model. The first weakness of this model is according to classical electromagnetic theory, if a positively charged particle accelerates around एन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल इट विल रेडिएट एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है कंटिन्यूसली अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के, ठीक है,
तो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमारे एटम केस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है कंटिन्यूसली किसके अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, यानी प्रोटॉन के अपोजिटली कंटिन्यूसली घूम रहा होता है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, और करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि एटम डायरेक्ट न्यूक्लियस से हिट कर जाएगा और सब एटम बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसका एक डिफेक्ट था। तो स्पायरल मोशन में वो कैसे जाता है, लेट्स सपोज देखें कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करने का मतलब है वो अपने पास से एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। और एक हफ्ता आएगा कि वो इतनी एनर्जी रेडिएट कर देगा कि उसमें कुछ एनर्जी ही नहीं बची, क्योंकि डायरेक्ट किसमें चला जाएगा, न्यूक्लियस से हिट कर जाएगा, यानी पॉजिटिव वालों के पास चला जाएगा। तो अगर आप सिंपल इलेक्ट्रिसिटी में एक सिंगल तार को सॉकेट के दोनों में होल में डाल दें, तो वो तार पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात यही कि जब पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव की चीज़ के साथ अट्रैक्ट करती है तो ब्लास्ट होता है। तो इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जाके मिल जाएंगे तो आपके पास ब्लास्ट हो जाएगा, सिंपल ये बात है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली फाउंड नहीं होता ऐसा, तो इसका ये पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ऑर्बिटल्स एवर डिक्रीजिंग रेडियाई वुड गिव राइज टू रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर सिंपल वर्ड्स में देखें कि अगर आप जो है कंटिन्यूस रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल का, यानी जैसे यहाँ दिखा रहे थे स्पायरल मोशन में इसका रेडियस कम होता जा रहा था। तो उस पे क्या है, डिफरेंट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी हमें, हर ऑर्बिटल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज मिल दी जाएंगी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी मिल रही हैं, तो वो कैसे मिलेंगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब जब हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करने वाले हमेशा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जबकि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जिसकी वजह से इसका ये मॉडल का ये दूसरा डिफेक्ट आया था कि इसने कहा था कंटिन्यूस घूमेगा, तो इसका मतलब उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनना चाहिए, लेकिन इनका एटम का स्पेक्ट्रम क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये उसकी गलती थी। एक्सरेज आ जाती हैं, और उसका रिलेशनशिप क्या होता है एटॉमिक नंबर से। तो बेसिकली इन 1895 डब्ल्यू डॉट रोइंटजेन डिस्कवर्ड दैट व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड कोलाइड विद द एनोड इन द क्रूस ट्यूब, इट कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल ऑफ द एटम। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ दिस आयन इज अनस्टेबल, एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी ड्रॉप इन टू द इनर ऑर्बिटल बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दिस फोटोन करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द एक्सरे रीजन। तो बेसिकली जब भी आपके पास एक कैथोड या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैथोड में से कोलाइड करता है एनोड के साथ कैथोड क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसने इसने एनोड को हिट किया, तो वहाँ से एक एक्सरे बीम जनरेट हुई। अब ये एक्सरे बीम जो है एक्सरे रीजन में विजिबल होती है, ठीक है, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये बेसिकली क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एंड ड्यू टू रिमूवल इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ द आयन इज अनस्टेबल। जो इसमें जो गैस होगी उसके आयन्स को वो अनस्टेबल कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी इन फॉर्म हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। जब वो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन वापस से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वही आपके पास एक्सरेज रेस कहलाती हैं, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में इमिट हो रही हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स में से, या किसी भी एक एटम की स्टेबिलिटी में आते वक्त, ठीक है। एंड दिस फोटॉन्स करिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द एक्सरे रीजन, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ एंड एटॉमिक नंबर, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। हर वेवलेंथ जो है कहते हैं एक्सरेज की अलग होगी, डिपेंड करती होगी एनोड के डिफरेंट मटेरियल के ऊपर। द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज एमिटेड डिक्रीजिंगली रेगुलरली विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास बढ़ाते जाते हैं गैसेस का, तो आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ एक्सरेज की कम होती जाएगी। मोस्टली फाउंड डेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज फ्रॉम एटम टू एटम बाय सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। तो उसने मोस्टली ने क्या देखा था, मोस्टली बेसिकली वो थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, मोस्टली पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने ये देखा था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते जाते हैं फ्रॉम एटम टू एटम,
अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, दस एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। और ही कॉल्ड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एटॉमिक नंबर एंड डिनोटेड बाय जेड। और इन्होंने क्या है, एटॉमिक नंबर को डिनोट कराया जेड से, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली आप नंबर ऑफ एटॉमिक कहते हैं। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.